People want to know. अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीयों ने किसी जोड़ी को देखकर ये सोचा कि इस लल्लू को ये लड़की कैसे मिल गई? लॉन्ड्री के बाद किसी ने नताशा और मुझे देखा और यही सवाल नताशा से किया। सलमान, यू ऑल्सो फेल्ट लाइक दिस। आई रिमेम्बर यू टेलिंग मी व्हेन जब आपका वो जब आपका ब्रेकअप हुआ था और जब आपको पता चला कि यू नो योर girl ex girlfriend is with seeing somebody so your reaction was also ki yaar iske kya tha we just kitne 45 32 kitne phone kiye the liar boss liar I mujhe lagta hai you standing in front of the mirror for something about 20-25 minutes watching yourself. Are you okay? इस डर से कि ये जवाब नहीं आता कि ये भी तुमसे बेहतर है। 29 तारीख की रात को 29th night round 12-12:30 technically 30th morning ये पूरी कहानी घटी है from around 12:30 at night till about 5 in the morning 5 घंटे तक ये ड्रामा चलता रहा। सलमान खान कॉल्ड मी ऑन माय फोन, उन्होंने मुझे मेरे मोबाइल पे फोन किया डायरेक्टली और मैंने फोन उठाया, मुझसे बात करने लगे। शुरुआत में ही जब उन्होंने बात की तो मुझे लगा कि उन्होंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे और ही स्टार्टेड आउट सेइंग दैट हु आर यू, तुम हो कौन, तुम अपने आप को समझते क्या हो। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बात है, क्या किस रीजन की वजह से ये सब हो रहा है, तूने अपने आप को समझ क्या रखा है। बड़ी बदतमीजी से सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि उनकी जबान जो है इतनी बदतमीज है, इतनी वाहियात है, इतनी बुरी तरह से बात करते हैं कि बहुत शर्म आई। उन्होंने शुरू किया कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम मेरी तरह बुरे इंसान हो। बहुत ज्यादा ऐसी बातें हुई हैं, अगर आप लोगों ने कभी सलमान से पहले बात की है और स्पेशली अगर शराब के नशे में बात की हो तो आप जानते होंगे कि वो जब बात करते हैं तो आधा तो आप समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या बोल रहा है आदमी, कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि तुम मेरी तरह हो, यू आर जस्ट लाइक मी, यू आर अ बैड गाय जस्ट लाइक मी। सो मैंने उनसे कहने की कोशिश की, देखो सलमान, डोंट कंपेयर यू एंड मी, तुम्हें कोई बात करनी है तो बात करो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। मुझे मालूम है कि औरतों की इज्जत कैसे की जाती है, मुझे मालूम है कि लोगों की इज्जत कैसे की जाती है, मुझे मालूम है कि बुरी जबान और बुरे एटीट्यूड से पेश नहीं आना चाहिए, और मैं बहुत अलग किस्म का इंसान हूं जहां पे आई हेल्प पीपल एंड आई हैव अ डिफरेंट आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ रादर देन थ्रेटनिंग एंड अब्यूजिंग एंड बुलिंग पीपल। सो डोंट टॉक टू मी अबाउट दैट, इफ यू हैव एन इशू क्लियर इट, टॉक टू मी। सो ही स्टार्टेड आस्किंग मी हु एम आई सीइंग, कि मेरा चक्कर या मेरा अफेयर किसके साथ चल रहा है। तो मैंने कहा दैट्स नॉट ऑफ योर बिजनेस, सबसे पहले तो मेरा कोई अफेयर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, मेरे बहुत लोगों के साथ अच्छी दोस्ती है। और फिर वहां से बात शुरू हो गई और एक के बाद एक उन्होंने नाम के बाद नाम लिए एंड मैं दंग रह गया हूं। ही स्टार्टेड टॉकिंग, उन्होंने ऐश्वर्या का नाम लिया, उन्होंने दिया मिर्जा का नाम लिया, रानी मुखर्जी का नाम लिया, उन्होंने
सोमी अली तक का नाम लिया. मतलब आई एम शॉक्ड, आई एम सरप्राइज्ड. आई मीन मेरा नाम अगर जुड़ा गया है किसी के साथ जिसके साथ मैंने, चलो मैंने कोस्टार्स के साथ काम किया, उन्होंने मेरा नाम जोड़ दिया, लेकिन सोमी अली, मेरा लेना देना ना वास्ता, पता नहीं सोमी अली से मेरी कितनी बार, चार गिन के चार बार मुलाकात हुई होगी, वो भी 7-8 साल पहले. और उन्होंने कहा कि मेरे इन सब के साथ फिजिकल रिलेशंस हैं और मैं इन सब के साथ अफेयर मेरा हो चुका है, चक्कर चल चुका है, और मैं सबको एक के बाद एक घुमा रहा हूं, और मैं ऐसा इंसान हूं वैसा इंसान हूं. थोड़ी देर तक मैं चुप रहा, फिर जब उन्होंने बहुत इतनी मतलब गटर से गंदी जबान इस्तेमाल की, इतनी इतनी गंदी गालियां कि मुझे कहते हुए शर्म आती है, उन्होंने कंटिन्यू करते गए, और उन्होंने इन सभी औरतों के बारे में, इंक्लूडिंग जो मेरी मंगेतर थी गुरप्रीत, उनके बारे में बहुत गंदी, बहुत ही डेरोगेटरी, बहुत ही डिमीनिंग, बहुत चीप बातें की. फिजिकल डिस्क्रिप्शंस के बारे में बात किया और गंदे गंदे क्वेश्चंस पूछे मुझसे. तो फिर मैं उनसे कहने लगा कि सलमान स्टॉप इट. फोन मैंने बंद करने की कोशिश की, बार बार उनका फोन आया, 41 बार इन वन नाइट. 41 times he has called me in one night, and I'm not even a beautiful woman. He's called me 41 times in one night. I don't understand it. मैंने उनसे बहुत समझाने की कोशिश की पहले. जब उन्होंने इस तरह से गंदी बातें करने लगी, मैंने कहा सलमान नाउ इनफ, अब आप इससे आगे कुछ कहेंगे, यू आर स्पॉइलिंग द रिलेशंस दैट हैज बिन बिटवीन मी एंड योर ब्रदर्स, बिकॉज सोहेल एंड अरबाज आर माई फ्रेंड्स. इन फैक्ट सलीम अंकल हैज ब्लेस्ड मी इन द बिगिनिंग ऑफ माई करियर एंड हैज एडवाइज्ड मी अबाउट हाउ आई शुड गो अबाउट इट. आई सेड माई फादर एंड सलीम अंकल इतने पुराने दोस्त रह चुके हैं कि जब मेरे फादर स्ट्रगलर थे यहां पे 30 साल पहले इंडस्ट्री में आए थे, तब सलीम अंकल से सलाह मशवरा करते थे. जैसे मैंने ये बात कही, उन्होंने पहले तो मेरे पिता के नाम से गालियां निकालनी शुरू कर दी कि सुरेश ओबेरॉय है कौन, और फिर उन्होंने शुरू कर दी बात, और उसके बाद उन्होंने खुद अपने पिता के बारे में गालियां करना शुरू कर दी. अभिषेक बच्चन को आपने गले लगाया? जी हाँ, अभिषेक बच्चन से मेरा सर कोई प्रॉब्लम नहीं सर. आपने हाल ही में शाहरुख खान को गले लगाया? जी सर, अभी उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है सर. लेकिन विवेक ओबेरॉय को आप? सर हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है. आई थिंक के एंगर और ये सब की भी एक्सपायरी डेट होना चाहिए. ये नहीं कहूंगा कि मैं कभी जाके, नाम क्या उनका, विवेक ओबेरॉय, उनसे हाथ मिलाऊंगा या उनसे कभी बात करूंगा. मैं दूरी, वो अगर वो करना भी चाहे तो मैं दूरी हट जाऊंगा, लेकिन मेरा उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. जब वो उन्होंने काफ़ी फिल्म मेरे दोस्त यार के साथ भी की है, मैंने कभी ये भी नहीं कहा है कि मत लो कुछ ना, यू नो, संजू के साथ भी पिक्चर कर ली है और बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ पिक्चर की, और तो मुझे ये कभी आई हैव नेवर हैड दैट प्रॉब्लम. जस्ट दैट देयर इज समबडी दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल इन मीटिंग और शेकिंग हैंड्स इन, सो आई जस्ट मूव अवे. कान पकड़ के माफी मांगी थी पब्लिकली आपसे तो भी? सर ये सब मुझे ना थोड़ा सा ओवरटली स्ट्रेंज लगता है. देखिए सर, अभी एक हाल ही फंक्शन के अंदर आप पूछ रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ. फंक्शन के अंदर सेम चीज़ हुई, तो मैं हट गया. अब मुझे ऐसा लगा कि ये माइलेज के सलमान हैज़ नॉट फॉरगिवन, सलमान is not being nice, you know, as a host, he was hosting the show, he should have, you know, been gracious. I said, ye ilzaam main lena chahunga. I said, this is something that I would want to take, then going and shaking hands and giving the other kind of mileage. So this is, I'm fine with that. Abhishek ko maaf kar sakte hain. Sir, Abhishek ne, mera koi problem nahi tha. Shahrukh ko maaf kar sakte hain. Sir, mera koi problem nahi tha. Sir, wo jhagde ho gaye, theek ho gaya. But this is something, I just don't like personality. But, लेकिन जिनके लिए आपने ये सब किया, उन्होंने कभी आपको थैंक यू बोला या अप्रिशिएट हुआ ये जेस्चर? नहीं हुआ. ये भी नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ. क्या मतलब नहीं हुआ? बाद में उल्टा ये हो गया था कि भाई तुम बड़े इमेच्योर हो, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था. तो मैं ऐसे देख रहा था यार ये क्या हुआ. क्या है ना, अपनी इंडस्ट्री में एक दस्तूर है, टपरवेयर मालूम है आपको, प्लास्टिक के डब्बे बनाती है. उनके यहाँ जितना प्लास्टिक है उससे ज्यादा प्लास्टिक हमारी फिल्म इंडस्ट्री में.
सब है यहाँ पे, प्लास्टिक स्माइल, प्लास्टिक हार्ट, प्लास्टिक सब कुछ, बहुत कुछ है यहाँ पे. तो वो आपको देख रहा है और आई एम नॉट सेइंग इट्स गुड और बैड, अलग लोगों का अलग तरीका है सर्वाइव करने का. क्या आप पूरी तरह अब उन्हें भुला चुके हैं? उन्हें मैं भुला चुका हूँ. मुझे एमनीजिया हो गया है. कुछ सीखे हैं आप इससे, विच इज व्हाट आवर शो इज अबाउट, कि इम्पल्सिव मिस्टेक्स होती है लेकिन आप उसे ओवरकम कैसे करते हैं, उससे क्या सीखते हैं? इस पूरे एक्सपीरियंस से एक चीज सीखी, इसका सार मुझे लगता है कि जो भी करना है दिल से करो, सबकी सुनो खुद की करो, बुरे वक्त में घबराना नहीं, अच्छे वक्त में पगलाना नहीं. ये मुझे ऐसा, अदर देन भज्जी द टर्मिनेटर, तीन हफ्ते पहले मैं भाग रहा था और मेरे लेफ्ट पैर का हैमस्ट्रिंग फट गया. कैन यू इमेजिन दैट? आप किसके पीछे भाग रहे थे? हाँ, विवेक ओबरॉय.